नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील शर्मा आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पहले ट्यूटर क्लासेस एग्जाम प्रेप के इस चैनल पर, जहाँ पे हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट पोस्ट करते हैं, जीके से लेके मैथमेटिक, रीजनिंग और भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे डेली पोस्ट होता रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो आज मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें सुपर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है। ये मतलब सुपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। आज से हम सुपर 20 की सीरीज भी साथ में शुरू करेंगे, जिसमें 20 ऐसे मतलब टॉपिक्स मिक्स करके क्वेश्चंस आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, सो दैट आपका जो एग्जाम है मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका निचोड़ यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में कंटिन्यूस हमें सारी चीज़ें रिमेंबर करना, रिमाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर जो मैं निचोड़ निकाल के वीडियोस में प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो इस सीरीज में, आज की जो सीरीज में, हम अगेन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद बेसिकली संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन। तो सांसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है मतलब संयुक्त मीटिंग कह सकते हैं, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ही उसको बुलाता है, ठीक है, जब जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है वो, जब उसको इनवाइट करता है सभी मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को कंबाइन जो है, यस कंबाइन है, जॉइंट मीटिंग कह सकते हैं, जॉइंट मीटिंग लोकसभा और राज्यसभा। तो वो बेसिकली राष्ट्रपति ही सारा कंट्रोल करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही ओवरऑल जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रपति को हमारे कंट्री में माना जाता है। चाहे काम करने में प्राइम मिनिस्टर ही सारे एग्जीक्यूटिव करता है सारे वर्क को, लेकिन राष्ट्रपति को मेन सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड, जो कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर वो इन्वाइट करता है, जॉइंट मीटिंग को अटेंड करता है। आर्टिकल 108, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 108 के अंदर वो राष्ट्रपति संयुक्त मीटिंग मतलब जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कॉल कर सकता है। तो ये प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर एंड लोकसभा इन द इन देयर एब्सेंस, मतलब अगर स्पीकर जो है वो अब्सेंट हो लोकसभा का, तो उनकी अब्सेंस में यहाँ पे डिप्टी स्पीकर लोकसभा का होता है और अगर डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि स्पीकर जो होता है वो किसका चेयरमैन होता है, वो लोकसभा का, और अगर वो अब्सेंट हो मीटिंग में तो डिप्टी स्पीकर अटेंड करता है, सारा कंट्रोल करता है, और राज्यसभा का जो होता है वो चेयरमैन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं आया, चेयरमैन नहीं आया, तो वहाँ पे डिप्टी जो चेयरमैन है वो उसको अटेंड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, LBW शब्द किस खेल से है? LBW बेसिकली क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कह सकते हैं। तो पहले तो इसका मतलब क्या होता है LBW, तो यहां पे होता है लेग बिफोर विकेट, तो इसकी फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट, तो आप ये याद रख सकते हैं लेग बिफोर विकेट, LBW शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली वन वे है जिसमें बैट्समैन जो है कैन बी डिसमिस्ड इन द स्पॉट ऑफ क्रिकेट, मतलब ये एक मेथड है जिसमें बैट्समैन जो खेल रहा होता है उसको अंपायर डिसमिस कर सकता है, लेकिन ये डिसमिस तभी करेगा जब अपील करी की जाएगी जो फील्ड कर रहे हैं, ठीक है।
अंपायर अपना रूल यूज करेगा, तो इसमें क्या होता है अगर स्टक करती है, इफ ये रूल कब इंप्लीमेंट होता है, मे रूल बेटर तब होता है, एलपीडब्ल्यू तब गिना जाता है जब बॉल वुड स्टक द विकेट बट वाज इंस्टेड इंटरसेप्टेड बाय एनी ऑफ द बैटर्स बॉडी, मतलब कहीं पर भी बॉडी पर स्टक कर जाए तो एक्सेप्ट हैंड को छोड़ के, हाथ को छोड़ के अगर वो बॉल है वो कहीं पर स्टक कर जाए, लग जाए और जो कोई भी है प्लेयर उसको पकड़ ले, तो वो यहाँ पे अपील कर सकता है एलपीडब्ल्यू की। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के आने वाली अल्ट्रा वायलेट, देखो सन से आती है यूवी रेडिएशंस, यूवी लाइट आती है, उस यूवी लाइट से बचाता हमें कौन है, ओजोन। हमारे जो एटमोस्फियर है उसमें ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की एक परत होती है जो हमारी धरती के वायुमंडल के ऊपर बाहर वाल आउटसाइड होती है, तो ये जितनी भी स्पेस से यूवी रेडिएशंस आती है, यूवी लाइट आती है, ओजोन से पास होके जाती है। ओजोन गैस जो होती है, ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वो हमारी धरती के जीवन को संभव करती है, क्योंकि देखो ये जैसे अर्थ है तो सन की रेडिएशन से अगर ओजन की लेयर से पास होके आएंगी तो लेस इफेक्टिव हो जाएंगी, हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगी, जिससे स्किन कैंसर वगैरह नहीं हो सकता। और भी जैसे वायुमंडल में यूवी रेडिएशन बहुत हानिकारक है तो वो डायरेक्टली पास नहीं हो पाती, तो ओजन, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तो ओजन के थ्रू वो जब पास होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि ओजन परत की खोज कब की गई थी, तो ओजन की जो खोज है 1913 को फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने की थी, फ्रांस के फैब्री नाम के, फैब्री चार्ल्स ने की थी, फैब्री चार्ल्स आप नाम याद रख सकते हैं, फैब्री चार्ल्स ने 1913, फ्रांस का जो साइंटिस्ट है, और हेनरी बुसेन ने इसकी जॉइंट खोज की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली ये अजमेर शरीफ बोलते हैं, जहाँ पे अजमेर में ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोहुद्दीन हसन चिश्ती की मजार जो अजमेर शहर में मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि मोहुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वो हिजरी संवत में हुआ था, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये जो बहुत ही, उनका जन्म वैसे ईरान में हुआ था, ईरान के इस्फहान शहर में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि ईरान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनका ये जो प्लेस है, दरगाह है, पूर्वजों के वंशज हैं, वहाँ पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी उनको जाना जाता है, गरीब नवाज, तो लोग उनको ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, मतलब कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने उसकी लाइफ ही बदल दी थी। तो सम्राट अशोक ने कलिंगा के युद्ध को, कलिंगा का युद्ध जो हुआ था, कलिंगा की जो वॉर हुई थी, उसके बाद सम्राट अशोक जो था टोटली चेंज हो गया था, उनका माइंड माइंड कह सकते हैं कि बिल्कुल बौद्ध धर्म की तरफ चला गया। उन्होंने जब लड़ाई में बहुत सारी लाशें वहां देखी, बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखा, तो उनका टोटली ये युद्ध से, राजपाट से मन ही उब गया था, ठीक है। तो राजा अशोक, पहले तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि राजा अशोक का जब कलिंगा है, जो कलिंगा कहाँ पे है, तो बेसिकली ये कलिंगा जो है, राजा अरोश अशोक भी कौन है, अशोक बेसिकली मौर्य वंश के एक बहुत बड़े संस्थापक हैं, बहुत बड़े राजा थे, और उनका जो आज के प्रेजेंट टाइम में बात करें, कलिंगा जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा, ठीक है जी, उड़ीसा जो है वहाँ पर कलिंगा बहुत फेमस है, फेमस प्लेस गिना जाता है, ठीक है। एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये दोनों को मिला के, और राजा अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य वंश के ये राजा थे,
काफी मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि राजा अशोक का जो चक्र है वो हमारे गवर्नमेंट में भी अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। काफी काफी कुछ उन्होंने दिया है हमारे भारत को। तो राजा अशोक का कौन सा युद्ध माना, जहाँ पे उनका मतलब बौद्ध धर्म की तरफ मतलब वो चले गए थे, वो है कलिंगा का युद्ध। तो वो कई जानकारियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस निकलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो कोई इंडिया का बैंकिंग सिस्टम दो पार्ट्स में बटा है, एक है सेंट्रल बैंक, एक है कमर्शियल बैंक। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करते हैं, और सेंट्रल बैंक जो है एक सुप्रीम एपेक्स बॉडी बोलते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन कई बार पुट किया गया है, एपेक्स। एपेक्स मतलब बिंदु, टॉप पर, चोटी पर। चोटी का जो बैंक है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आरबीआई है कहाँ पे, तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन से निकल के आते हैं। तो आरबीआई जो है एट प्रेजेंट जो है हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई है, मुंबई इंडिया में है। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई इंडिया में है। और सेकेंडली अगर बात करें कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो बेसिकली ये 1 अप्रैल, यस ये डेट याद रख लेना कि 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में, देन शिफ्ट हो गया ये मुंबई में। तो मुंबई को हम कमर्शियल कैपिटल भी बोलते हैं, और बेसिकली सारी करेंसी कंट्रोल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा देश की सारी करेंसी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि ऑल करेंसी नोट्स जो है इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जो 1 रुपी नोट होता है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इशू करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टॉप सीरीज के मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 सीरीज सुपर 20। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? बेसिकली सलारगंज हैदराबाद में म्यूजियम है। तो हैदराबाद एक फेमस प्लेस मतलब सिटी है हमारे इंडिया का, तो तेलंगाना स्टेट का है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना आपने नाम याद रखना है, तेलंगाना जो है उसका एक पार्ट है, उसका एक सिटी है। तो तेलंगाना में सलारगंज जो रोड है उसके पास ही सलारगंज म्यूजियम है। तो इसको हम कह सकते इट इज एन आर्ट ऑफ म्यूजियम लोकेटेड इन दारुल सिरफा और साउथर्न बैंक ऑफ द मौजी रिवर। मौजी रिवर के आसपास है, मौजी रिवर नाम याद रख सकते हैं, मौजी रिवर के पास जो म्यूजियम है। तो यहाँ पे बात आती है कि ये म्यूजियम जो है कब बना था यहाँ पे। तो ये म्यूजियम जो 1951, आप डेट याद रख सकते हो, बहुत बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 1951 में ये फाउंड किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बासु इसका ना आंसर आएगा, करेक्ट आंसर ज्योति बासु जी, वेस्ट बंगाल के जो सीएम थे वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए यहाँ पे इलेक्ट हुए थे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री वहाँ पे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रहे हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड यहाँ पे बात आती है कि किस टाइम से किस टाइम तक, तो यहाँ पे याद रख लेना 1966 से, यस 1966 से 72 तक ये पीरियड है। तो ही सर्वड एज 6th एंड लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये ज्योति बसु कोलेशन गवर्नमेंट में आए थे, 1966 से कोलेशन गवर्नमेंट में आए थे, और 6 जो सीएम थे वहाँ के वेस्ट बंगाल के, तो ये 1966 से वो सीएम बने थे। सिक्स और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं यहाँ पे। तो कितने साल के लिए? 1977 से लेके 2000 तक उन्होंने एज ए सीएम के रूप में वेस्ट बंगाल में वर्क किया था, उसमें मतलब सीएम रहे थे, ऑफिस में रहे थे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन निकल गया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे? वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करते थे, सीपीआई, सीपीआईएम। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करते थे और लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए वो रहे थे।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी सबके लॉन्गेस्ट रिवर जो माना जाता है, तो नील जो मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के पास है, तो यहाँ पे ये याद रख लेना, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के पास जो ये नील रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट है। ये मेडिटेरियन जो है, मेडिटेरियन सी के आसपास है, उसमें से फ्लो करता है और लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि लेंथ कितनी है, लॉन्गेस्ट है तो कितनी लेंथ है, 6650 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ इतनी, ये बेसिकली ब्लू नील रिवर भी इसका सोर्स है, वाइट नील भी इसको जाना जाता है, और ये दो कंट्रीज हैं, इजिप्ट और इजिप्ट और सूडान। तो इजिप्ट और सूडान जो है दो कंट्रीज हैं, इन दोनों का आपने याद रख लिया, इन दोनों कंट्रीज से पास होके जा जाती है, इट इज इजिप्ट और सूडान, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का 6650 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है, लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर बराबर होता है? तो ये बेसिकली 40 डिग्री इसका आंसर आएगा, 40 डिग्री। तो फारेनहाइट और जो ये है हमारा सेल्सियस, ये दोनों दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। फारेनहाइट टू सेल्सियस यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है, तो बेसिकली 40 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, तो इसका एक फार्मूला भी है, करेक्ट फार्मूला डिग्री कन्वर्जन के लिए, तो वह वैसे ज़रूरत नहीं है। ये एक फार्मूला होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट -32 कर दिया जाए, तो ये बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए (5/9), तो ये आता है डिग्री सेल्सियस। तो इस फार्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कांसा ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है जी, किस मिश्र धातु, मतलब किसका मिक्सर है, अलॉय कौन है, अलॉय कह सकते हैं, मिक्सर कह सकते हैं, तांबा और टिन, कॉपर और टिन का बेसिकली मिक्सर है ये ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो इम्पोर्टेंट मेटल है, बहुत सारे गुड्स जो है ब्रॉन्ज और ब्रास से बने। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ, ब्रॉन्ज और ब्रास में थोड़ी सी डिफरेंस है, कई बार ब्रास भी वर्ड लिखा जाता है, कई बार ब्रॉन्ज वर्ड लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस है। ब्रास की अगर बात करें तो ब्रास बेसिकली अलॉय है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है, दोनों का मिक्स करके अलॉय बनता है। और ब्रॉन्ज की बात करें वो कॉपर और टिन दो मेटल्स है, इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों का मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेटल शीट्स में यूज किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिक्सर, तभी इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डोलिप भी बोल सकते हैं, डोलिप ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट से संबंधित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है। बेसिकली इस ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डोलिप ट्रॉफी इज़ द डोमेस्टिक ये ट्रॉफी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन प्लेड इन इंडिया माना जाता है इसको, फर्स्ट क्लास, ठीक है जी, और डोमेस्टिक कंपटीशन है, मतलब इंडिया के विद इन जो स्टेट है, मतलब कंट्री के अंदर के जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर खेला जाता है, उनके जो टीम्स हैं वो खेलते हैं। बेसिकली आफ्टर द नेम, ये बेसिकली आफ्टर डुलीप सिंजी के नाम से नाम जाता जाए, डुलीप, आप मैं लिख देता हूँ, डुलीप जो सिंजे थे, ठीक है जी, सिंह जी, उनके नेम से ही इसका नाम पड़ा है, कुमार श्री, पूरा नाम लिख देता हूँ, कुमार श्री दुलीप सिंह जी, उन्हीं के नेम से ये ट्रॉफी का पड़ा है नाम, ठीक है। तो बेसिकली ये सेकंड टाइटल है जो इंडिया में करंट चैंपियनशिप में सेकंड टाइटल है, और बहुत अच्छा इसको माना जाता है, क्यों, ये स्टार्ट फर्स्ट एडिशन कब हुआ था ये भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 1962 में ये इसका फर्स्ट एडिशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, एलपीजी का पूर्ण विस्तार, मतलब फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में यूज की जाती है एलपीजी गैस उसको बोलते हैं। एलपीजी बेसिकली लिक्विड फॉर्म में एक गैस होती है,
वो इसलिए यूज़ की जाती क्योंकि वो एक तो पोल्यूशन फ्री है और सेकेंडली ये जो गैस है ये पोल्यूट नहीं करती हमारे इन्वायरमेंट को, इसलिए इसको अच्छे व्यू से मतलब अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंडली जो एलपीजी गैस है वो जो है उसको स्टोर करना भी इजी है, तो उसके बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बाई प्रोडक्ट है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन और क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करके जो गैस बनती है वो एलपीजी है। इसमें बेसिकली मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन गैसेस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इसको मोस्ट कॉमन भी कह सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा ये ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है। तो आप इतनी डिटेल में नहीं, आप जस्ट ये याद रख सकते हैं हाइड्रो और कार्बन का जो मिक्सर है, रूम टेम्परेचर पर एलपीजी एक कलरलेस और ऑडरलेस नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब नॉन टॉक्सिक जहरीली नहीं है, ठीक है। तो कलरलेस गैस है ये रूम टेम्परेचर पर, तो इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो सिलेंडर्स हैं वो एलपीजी के ही होते हैं। नेक्स्ट आता है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। तो गीता रहस्य कर्म योगी, बेसिकली बाल गंगाधर तिलक को तो आप सब जानते हैं, सोशल रिफॉर्मर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस में एक्टिविस्ट भी थे उन्होंने, लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। ये तब लिखी थी जब वो प्रिजन में थे, मतलब जब मत बर्मा में जेल में थे तब उन्होंने इसके बारे में सारा लिखा था। तो नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के कितने सदस्यों को 2 वर्ष बाद चुना जाता है। तो बेसिकली 1/3, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो एवरी 2 ईयर्स के बाद, हर 2 साल के बाद उनको चुना जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं 245 होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पुट किया जाता है। तो 245 आउट ऑफ विच जो 233 जो होते हैं वो चुने जाते हैं, बाकी राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 मेंबर जो हमारे राष्ट्रपति जी चुनते हैं, प्रेसिडेंट जी चुनते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और विद द सलाह जो होती है प्राइम मिनिस्टर की सलाह से, और उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल गए थे, एक तो बता यहाँ पे चल गया 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो 2 साल बाद चुने जाते हैं, टोटल मेंबर्स होते हैं 245 और उनमें से 233 ही चुने जाते हैं, 12 जो है राष्ट्रपति जी हमारे प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं, जो उनकी किनको नॉमिनेट करते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो बेसिकली आर्ट लिटरेचर साइंस और सोशल सर्विसेज में जो अलग अलग जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उनके बेस पर उनको चुना जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 ईयर्स के लिए होता है, इंडिया का जो राष्ट्रपति है उनका 5 ईयर्स का बेसिकली कार्यकाल होता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। रेगूर मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगूर मिट्टी बेसिकली का उसको रंग काला होता है, इसीलिए इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए कपास मिट्टी भी इसको नाम, दूसरा अल्टरनेट नाम है इसका कपास की मिट्टी, ठीक है जी। कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है काली मिट्टी, तो इसको काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी, और ये बेसिकली मिट्टी जो है उत्तर पश्चिम साइड पे मिलती है, वो मतलब तो साउथ साउथ वेस्ट जो दर्रा होते हैं जो डेल्टाज होते हैं उनके पास ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश इसका आप याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश के आसपास एमपी में गोदावरी नदी के आसपास का जो एरिया है गोदावरी, तो वहां पर ये मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको मल्टीपल चीजें बता रहा हूँ, मल्टीपल पॉइंट्स बता रहा हूँ, सो दैट आपका एग्जाम बेटर वे से परफॉर्म हो सके, क्योंकि इस बार कई चीजें होती हैं कि हमें एक पॉइंट से ही कई मल्टीपल चीजें याद करनी होती हैं, तो एक जगह पे वो नहीं मिलती, तो यहाँ पे मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। यस, काफी इंपॉर्टेंट है, लाल मिट्टी का रंग बेसिकली लो ऑक्साइड के कारण होता है, लो ऑक्साइड को हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक
ठीक है, उसी के कारण उसका होता है। बेसिकली आयरन ऑक्साइड आयरन और ऑक्सीजन का दोनों का मिक्सचर है, तो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो है लो ऑक्साइड ऑक्सीहाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसको हम ये लोहा मतलब ऑक्साइड का रूप है आयरन ऑक्साइड, तो इसलिए इसकी जैविक प्रक्रियाओं में मतलब आयरन ऑक्साइड बेसिकली आयरन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और जैविक प्रक्रियाओं में मतलब बायोलॉजिकली इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन ऑक्साइड को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, आयरन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो ये बेसिकली रेड कलर का होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रेड कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है खेती के अंदर आता है, मतलब कितना एरिया जो हमारा जो है एग्रीकल्चर लैंड है। तो बेसिकली 51% जो हमारी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में पूर्वोत्तर मतलब साउथ ईस्ट, जब हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मेघालय, ये मणिपुर, ये सारे स्टेट्स आते हैं, इनके जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है, मतलब जंगलों को काटकर खेत बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, तो ये झूम खेती, अब माइंड में आता है झूम खेती होती क्या है। झूम खेती की अगर बात करें तो गाइस झूम खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो झूम खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में, क्यों, क्योंकि ये एक तरह की लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें जो वृक्ष होते हैं मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनको जला दिया जाता है, और जला कर साफ की जाती है ज़मीन, मतलब वहाँ पे लकड़ी को हटा दिया जाता है और ज़मीन को साफ किया जाता है, भूमि के पुराने उपकरण जो मगर लकड़ी के हल जो होते हैं ना, उससे जुताई वगैरह की जाती है। फसल जो बेसिकली टोटली नेचर पर डिपेंडेंट है और इसका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है, मतलब नेचुरल वे से जो वहाँ पर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर है, नेचुरल एग्रीकल्चर भी हम बोल सकते हैं इसको, किया जाता है। पेड़ पौधों को काट के ज़मीन को क्लीन किया जाता है, ये पेड़ पौधे जैसे काट के ज़मीन क्लीन करके उसको हल वगैरह चलाकर जोत कर जो खेती की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं झूम खेती। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको मैंने जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जिसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके साथ शेयर किए, वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे ट्यूटर क्लासेस एग्ज़ाम प्रेप के TC एग्ज़ाम प्रेप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी तो हमारा चैनल है जहाँ पे हम नोट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।